जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दरअसल बड़ी खबर के दौरान एग्जाम देने के लिए जा रहा था स्टूडेंट, इसी दौरान बस का इंतजार कर रहा था और स्टूडेंट को बोलेरो कंपनी ने भिड़ंत कर दी। बताया जा रहा है कि घटना रविवार सुबह 5 बजे की है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में गाड़ी युवक को भिड़ंत करते हुए भी दिखाई दे रही है। यह पूरा मामला राजस्थान के नागौर जिले के श्री बालाजी इलाके के अलाय बस स्टैंड का है। पुलिस ने बताया कि इस घटना में स्टूडेंट धर्मराम 22 वर्ष को मृत घोषित कर दिया गया है। वह स्टूडेंट का रविवार को बीकानेर में जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा का सेंटर आया हुआ था। वह सुबह जल्द ही घर से निकल गया था। स्टूडेंट सड़क किनारे बस का इंतजार कर रहा था, इसी दौरान कुछ ट्रक पास से गुजर गए, लेकिन कुछ ही देर में एक तेज रफ्तार बोलेरो कैंपर ने घटना को अंजाम दे दिया, जिसके दौरान उसे मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया। वहीं बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद कैंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। पुलिस अब कैंपर के नंबर ट्रेस करने के लिए जुटी हुई है। इसी दौरान मृतक के भाई कुंभाराम ने बताया कि उसके 3-4 भाई बहन हैं, 2 भाई टीचर है और 1 कंपाउंडर है, जबकि 1 बहन नर्स बताई जा रही है। वहीं इस घटना के दौरान पुलिस अब जाँच पड़ताल में जुटी है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।